हम फाइनली हॉस्पिटल में आ गए हैं, रूम के बाहर हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चा होता है तो एकदम अंदर नहीं जाते। तो अभी हम 5-10 मिनट बाहर बैठेंगे और हमारा जो है अयान मलिक तो आ गया है, तूबा भी नीचे, पता है? हाँ, तूबा भी नीचे। हाँ, क्योंकि तूबा थोड़ी सी ना कमजोर है, तो उसको 1-2 दिन शायद और निक्को में रखा जाएगा, पर अयान पहुँच गया अंदर। मौसम कैसे लग रहा है? ये क्यों लगा रखा तूने? खांसी है थोड़ी देर साथ, अकेली तो है। फिर भी खांसी ना, वो हवा नहीं जाएगी, नहीं हवा नहीं जाएगी वो मेरा। अच्छा, अबे अयान क्या हो रहा बेटी? अबे क्या हो रहा है? अमान सो रहा है दूध पी के। पायल को मिलवा के लाऊंगा तूबा से। ले चलूं? चल तूबा से मिलने। चलो जंप मार के खड़ी पागल हो क्या? यहाँ खांसी से जान निकल रही है, अब जंप की बात कर रहे हो? चलो मम्मी को कैसे जंप मार के खड़ा है। हाँ तो भैया अभी हम जा रहे हैं तूबा से मिलने के लिए। हाँ क्या आपका फोन बज रहा है? रेडी हो गया और बिल्कुल मटक मटक के चलेंगे। मेरे पास रुक जा बेटा, इतनी फास्ट मत भाग, ऑपरेशन हुआ है। चले क्या चल रहे हैं? आराम से चल सबरा, तो बच्चों के साथ रहना आ रहा हूँ। तो भैया पायल को हमारा हम आराम से लेके जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। पायल लिफ्ट से जाएगी। वैसे आपको पता है ये जगह हमारे लिए खाली है, पता लगा था मुझे। हाँ सांस ले ले। हाँ भाई क्या हाल है? सबके सब ठीक ठाक है? देख रहे भैया चांद सा चेहरा फूल गया है। मैं जाना मैं जाना मोटा गया ना वो, तो ज्यादा मोटा नहीं आलू जैसा। चीकू से नहीं मिलने देंगे वो, चीकू अंदर जाने देते? जाने देते, सब जाने देते, सबको जाने देते भाई, ऐसा कुछ नहीं। चलो ध्यान से आराम से चलो। तो ये मूवमेंट ना बच्चों को दिखाएंगे हम। मम्मी ऑपरेशन में आई तो से उठ के मिलने आए थे। हाँ जी चलो, वह लड़की से मिलवाओ, हमारी सारी सेवा ये करते हैं बच्चों की। मिलाई मिलाई है अभी, चप्पल पहनना। चलो पाल तो कह रही थी मैं 2-4 घंटे यहीं रह लेती हूँ, मतलब खड़ा रहना पड़ेगा, फिर मैं इसको ले आऊँ बाहर। चलो हाँ जी, आ जाओ। चलो भैया आ जाओ, आ जाओ। पाल की पूरी सेवा रखी है, देख रहे हो? फुल सेवा होती है पाल की। जितने लोग हैं ना बहुत प्यार करते हैं पाल जी, आप लोग तो हैं ही हैं उसके बाद भी। नहीं ओके रिपोर्ट। हाँ जी सर। मैडम बोल रही है नर्स की इतनी जल्दी नहीं चलते, इतने हवा में मत उड़ो, आपका ऑपरेशन हुआ है, याद दिला रहे हैं आपको। चीकू क्या कर रहे तू? पर्स पर सकता है, माचिस का लाइटर रखता है। अच्छा ऐसे माचिस रखनी होती है ना, माचिस लहसुन ये सब तिल्ली ली, मेरे पास माचिस नहीं है तो लाइटर रखता है मेरे पास, और कोई देखेगा तो कहेगा ये सिगरेट देखो चॉकलेट की तरह है ना, चलता नहीं लेकिन आग नहीं है इसमें। चल पायल का तो दिल नहीं कर रहा था, कह रही थी 1 घंटा मैं वहीं रहूंगी, थोड़ा ऊपर हो जा मैं करूं 1 घंटे। कैसी लग रही थी पायल? कैसी ठीक है लड़की? मैंने पहचान ली थी, ढूंढ कौन सी है लड़की ऐसी पता चला। वहाँ पे ना 5-6 बच्चे और भी थे, तो मैंने उनको दिखाया ना अपनी तरफ कैमरा किया, मतलब बता नहीं मुझे तेरा बच्चा कौन सा। तो ये चारों तरफ घूमी, फिर लास्ट में वहीं रुकी, रुकने के बाद बोली ये मेरा है, उसके बाद एक पर्ची लगी हुई थी, यहाँ ये भी देखो ये भी मेरा ही है, मना कर रहा हूँ ये नहीं है ये नहीं है, तो ये पहचान ली। माँ तो अपने बेटे बेटे पहचान लेती है 1 सेकंड के अंदर, पर कैसी थी ना जो थी कैसी हो रही है? सही है वो, बस थोड़ा सा वेट कम है और कोई दिक्कत नहीं उसको, थोड़ा सा वेट कम है। इसकी जैसी लग रही है मुझे, सेम है ना जुड़वा ना, पर सेम है ना जुड़वा ना, इसलिए थोड़ा ठीक है। ये प्रेगनेंसी थी ना पल, तब से तेरे को अभी 2-3 महीने से खांसी होने लगी थी ना, ये मुझे लग रहा है तू जो आइसक्रीम खाती थी ना छुप छुप के, उसकी वजह से लग रहा ना। सच बताए तू और गोलू खाते थे ना, है शर्म नहीं आती थी? एक बार आपने भी खिलाई थी तो वो तो तू मांग रही थी ना, मेरी क्या गलती है, तुम जो मांगते मैं देता लगे। और जिस दिन मैं यहाँ आई उसके 1 दिन पहले भी खाई थी, पर मैं ब्लश भी किया था अपने आप करके। मैं कहा आपने बैग सही बनवा दिया बड़े वाला, सारे बच्चे लाइन वाइज हो जाएंगे। रोल ही नहीं है नहीं, आपका तो रोल था ही। मैं अपना नीचे नीचे इधर उधर कैसे हो जाएगा। हाँ भाई अयान क्या हो रहा है बेटी?